कांग्रेस सरकार में जो विकास कार्य कई वर्षों से रुके पड़े थे उसे पिछले एक वर्ष में गति प्रदान कर घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। ये बात घुमारवीं के विधायक राजेंद्र गर्ग ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में लोगों की पानी की विकराल समस्या को 40 हैंडपंप तथा 10 मोटर युक्त हैंडपंप लगाकर तथा पानी की कई स्कीमों को शुरू करवाकर लोगों को समर्पित करवाया गया है, जिससे लोगों को पीने के स्वच्छ पानी की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि घुमारवीं के लिए कॉल डैम से पीने के पानी की स्कीम व तलवाड़ा से सुनहानी तक सीर खड के चैनलाइजिंग हेतु DPR बनवाकर भेज दी गई है तथा जल्द ही इसके ऊपर कार्य शुरू करने की संभावना है। गर्ग ने कहा कि जो सड़कें कई वर्षों से टूटी पड़ी थी उन्हें पिछले एक वर्ष में चकाचक करवाकर जनता को समर्पित किया गया है। साथ ही इस वर्ष सड़कों के रखरखाव हेतु इस वर्ष घुमारवीं के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिससे बची हुई खराब सड़कें भी चकाचक हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि ददोल से लदरौर सड़क का विस्तारीकरण हेतु 80 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए गए हैं तथा डंगार से लदरौर बाया बरोटा तथा निहारी से बदाघाट कल्लर जुनाला डलोह डंगर का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। इसमें टायरिंग का कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा, जिससे लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में बिजली की कम वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 14 ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं और कई दूसरे सुधार भी किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में बिजली की समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के घुमारवीं दौरे के दौरान घुमारवीं में मिनी सचिवालय की घोषणा, घुमारवीं के अस्पताल को 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने की घोषणा, भराड़ी अस्पताल को 50 बिस्तर का अस्पताल अपग्रेड करने की घोषणा के साथ ही डंगार सांस्कृतिक कॉलेज को सरकार द्वारा अपने अधीन करने की घोषणा के अलावा घुमारवीं हॉस्पिटल, घुमारवीं डिग्री कॉलेज के केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी और राजनीतिक शास्त्र की PG की कक्षाओं को शुरू करने की स्वीकृति मिली है, वे घुमारवीं के लिए एक सौभाग्य की बात है। घुमारवीं के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान जो यहाँ के लिए सौगातें दी हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ घुमारवीं की जनता की ओर से और अपनी ओर से। उन्होंने हमारे लिए एक औद्योगिक क्षेत्र देने की घोषणा की है और साथ ही घुमारवीं में एक HRTC का सब डिपो देने की घोषणा की है और एक बहुत बड़ी जो हमारे यहाँ कई वर्षों से चली हुई मांग थी कि घुमारवीं एक मिनी सचिवालय होना चाहिए था, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान करके घुमारवीं के क्षेत्र की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और साथ ही घुमारवीं सिविल हॉस्पिटल को 100 बेडेड करने की घोषणा की है और घुमारवीं शहर में फुट ब्रिज बनाने की भी उन्होंने घोषणा की है और भराड़ी के हॉस्पिटल को 30 से 50 बेडेड करने के लिए की घोषणा की है। ऐसी अनेक घोषणा जो और सरकारी हमारा जो संस्कृत कॉलेज डंगार में उसको सरकार के अधीन लेने की भी उन्होंने घोषणा की है, जिससे हमारे घुमारवीं क्षेत्र में विकास की एक बहुत बड़ी लंबी छलांग लगेगी। इसके साथ ही और अन्य हमारा जो डिग्री कॉलेज है घुमारवीं में, वहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी की जो कक्षाएं PG की कक्षाएं उन्होंने स्वीकृत की हैं, जिसके कारण हमारा घुमारवीं डिग्री कॉलेज एक मिनी यूनिवर्सिटी का रूप लेगा और यहाँ पॉलिटिकल साइंस की क्लासेज भी अगले सेशन से शुरू होंगी, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है।